डस्टबिन रखे हैं एक जगह इकट्ठा करो। इधर से मत जाओ ये रास्ता जल्दी आओ। जानते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से जो हमें डायरेक्शंस दी गई हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आज जैसे पे सेलिब्रेट किया जाता है और आज से ही जो हमारा समर कैंप है एक हफ्ते का वो शुरू हो रहा है और आज जो हमारा थीम है आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आज के दिन में हम बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आज विश्व भर में जो जलवायु की समस्या है या मौसम का जो बिगड़ाव हो गया है या ये सारा जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में हम बच्चों को जागरूक कर सकें जिससे कि वो आने वाले समय में देश के अच्छे नागरिक बन सकें और देश को सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और पर्यावरण के रूप से अच्छी तरह से चला सकें। जो आने वाली त्रासदियाँ आती हैं, अभी हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद ही जैसे बरसात का मौसम आएगा तो अलग अलग प्रकार की त्रासदियाँ आ जाती हैं, केदारनाथ की त्रासदी या हिमाचल में कहीं या पिछले दिनों हमारे ये भद्रवाह और किश्तवाड़ के इलाके में जो कुछ हुआ ये सब जो है पर्यावरण का बिगड़ाव हुआ है और उस बिगड़ाव के कारण जो जलवायु में परिवर्तन हुआ उसके कारण ये सब हो रहा है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस आज 5 जून पर ये एक संदेश था बच्चों को कि बच्चे इस ओर थोड़ा अपना ध्यान दें और देश के अच्छे नागरिक बन के आगे बढ़कर पर्यावरण को के लिए सचेत हो जाएं। इसी के साथ साथ आज 5 जून से ही हमारा यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम आरंभ हुआ है, इको क्लब नाम से प्रत्येक विद्यालय में ये इको क्लब बने हुए हैं जिसमें बच्चे भी हैं, हमारे अध्यापक भी हैं। तो ये 7 दिन के लिए प्रतिदिन यहाँ दैनिक कार्यक्रम होंगे, अध्यापक भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे और प्रत्येक दिन का एक विषय रहेगा अलग अलग कि कैसे अच्छा भोजन कैसा हो या अच्छा वातावरण कैसा हो या स्वच्छता अभियान कैसा हो या प्लास्टिक का कितना प्रयोग हम कम कर सकें जिससे कि वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाए, पर्यावरण शुद्ध हो जाए। तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को जो एक स्वच्छ विश्व, एक स्वच्छ भारत हम दे सकें।